न्यूज़ 24 उसके नई लेटेस्ट अपडेट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस तरह नए अपडेट्स आपके आते रहेंगे। उसका नया अपडेट आप इधर देख सकते हैं, VTU साइंस MOU विथ बेंगलोर AFTC। तो गाइस ये हिंदी न्यूज़पेपर में दिया गया था आज, इसलिए इसके और आप इधर देख सकते हैं। VTU के बीची मिस्टर करी सिद्धप्पा और एयरफोर्स मैन, तो आप इसके बारे में अब हम इधर ये जान लेते हैं। PG degrees with aeronautical engineering to be awarded to the Indian AFO officers. The Indian AFO officers Bengaluru has entered into agreement with Belagavi based VTU to award postgraduate degrees in aeronautical engineering to Indian AFO officers. तो अब जो कुछ भी Indian AFO officers हैं वो aeronautical engineers का post ले सकते हैं, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और VTU बेलगावी और एयरफोर्स के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आप इधर देख सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं एयर कमांडर BGPHP, कमांडमेंट ऑफ AFTC देशपांडे रजिस्टर, और इन तीन लोगों ने मिलकर VTU MOU साइन किया है और वो भी फ्राइडे को। और टू इंस्टीट्यूशंस विल ये दो इंस्टीट्यूशंस ये ऑफर करते हैं, एक MTech प्रोग्राम इन एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और इसमें 6 स्पेशलाइजेशन होते हैं और ये फॉलो करता है AICTE और VTU नॉर्म्स। तो गाइस आप इधर देख सकते हैं हिंदी न्यूज़पेपर में, तो जो इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बोल दिया। तो गाइस जो कोई भी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सोचते थे कि VTU में बेकार चीज़ है, अब वही VTU का टर्निंग पॉइंट बन चुका है और आपको गवर्नमेंट जॉब भी वही दिला सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग आते हैं एयरोनॉटिकल इंजीनियर्स में और इसमें प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस देखिए फ्यूचर बदलने वाला है, आप ज़रा सोच के, आप ज्ञानी हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना ताकि इस तरह ने अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। गुड बाय।